तो दोस्तों फाइनली हमने अपने पीसी के लिए एक जॉयपैड कंट्रोलर बाय कर लिया है, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के साथ आता है। दोस्तों मार्केट में आपको बहुत ही चीप प्राइजेस में पीसी के लिए काफी बढ़िया बढ़िया गेम कंट्रोलर मिल जाएंगे, लेकिन जो जॉयपैड मैंने बाय किया है ये उन सबसे बहुत ही अलग है। बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आपको मिलती है, एकदम ओरिजिनल जो एक्सबॉक्स के या प्लेस्टेशन के जो कंट्रोलर आते हैं उनके जैसी ही इसकी क्वालिटी है, और देखने में भी काफी जेन्युइन आपको प्रोडक्ट दिखेगा। और मेरे चैनल पर ये दूसरी वीडियो है किसी गेम पैड कंट्रोलर की, इससे पहले भी मैंने एक गेम पैड की वीडियो अपने चैनल पर डाली है जो कि क्वांटम की तरफ से आता है और काफी सस्ता सा चीप सा गेम पैड कंट्रोलर है, जो कि नॉर्मल पुरानी गेम्स खेलने के लिए तो बढ़िया है जैसे GTA San Andreas, लेकिन ये गेम पैड जो आज की जो गेम्स आ रही है उनके लिए एकदम बेस्ट है। और ये एकदम एक्सबॉक्स के कंट्रोलर के जैसा ही है, सेम वही चीज है, सभी बटन्स के लेआउट सब कुछ आपको वैसा ही मिलेगा। और मैंने एक्सबॉक्स का कंट्रोलर कभी पहले यूज नहीं किया है, प्लेस्टेशन के सभी कंट्रोलर्स मैंने यूज किए हैं, तो मैं आपको एक्सबॉक्स के कंट्रोलर और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो तो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने ड्यूल सेंस कंट्रोलर है वो यूज किया है और मुझे पता है एक बढ़िया कंट्रोलर की क्वालिटी कैसी होती है। तो हमारे पास है पावर ए कंपनी की ओर से आने वाला वायर्ड कंट्रोलर, जो कि दिखने में एक्सबॉक्स के कंट्रोलर की तरह ही सेम, और एक्सबॉक्स की ओर से ये स्पेशली सर्टिफाइड है, यानी कि ये कोई डुप्लीकेट या उसकी कॉपी नहीं है एक्सबॉक्स के कंट्रोलर की, ये स्पेशली एक्सबॉक्स की ओर से टेस्टेड है और उन्होंने इसे सर्टिफाइड किया है, जिसकी वजह से हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने इसे बाय किया है। और आपको सेम इसकी क्वालिटी एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और एस के जो कंट्रोलर हैं उसके जैसी ही मिलेगी, लेकिन ये वायरलेस कंट्रोलर नहीं है, ये एक वायर्ड कंट्रोलर है। तो चलिए हम पहले इसे अनबॉक्स करते हैं और बाकी चीजों के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में ये आता है, जैसे एक्सबॉक्स के कंट्रोलर आते हैं वैसा ही सेम बॉक्स है, पैकेजिंग इसकी बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये प्रोडक्ट थोड़ा सा किसी ने इसे ओपन किया हुआ है क्योंकि बॉक्स थोड़ा डैमेज लग रहा है मुझे। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है, सामने लिखा हुआ है पावर ए और हमारा कंट्रोलर, और साइड में कुछ इसकी जो मेन एडवांटेज हैं उनके बारे में मेंशन किया हुआ है, और जो सबसे बढ़िया बात जहां पर एक्सबॉक्स का साइन बना हुआ है डिजाइन फॉर एक्सबॉक्स, साइड में भी इसकी कुछ क्वालिटीज के बारे में मेंशन किया हुआ है, और बैकग्राउंड इसके बारे में हमें थोड़ी और जानकारी मिल जाती है, और ऊपर से कुछ इस तरह से प्ले योर वे। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं और ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिलता है। तो सबसे पहले हमें एक बड़ी सारी केबल मिल जाती है इसे कनेक्ट करने के लिए, और इसके बाद हमारा कंट्रोलर और एक पेपर वर्क जिसमें इसके बारे में बताया हुआ है कैसे इसे ऑपरेट करना है, कैसे इसे कनेक्ट करना है। आप चाहें तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ सकते हैं इसे ऑपरेट करने के लिए। तो बस यही तीन चीज़ें हैं इसके साथ, इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो चलिए पहले हम इसकी जो केबल है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक वायर्ड कंट्रोलर है, उसके हिसाब से इसकी जो वायर है ये काफ़ी लॉन्ग है, अराउंड 10 फीट लॉन्ग केबल आपको मिल जाती है, और उससे बढ़िया बात कि ये एक USB 2 टाइप सी केबल है, नहीं तो पहले हमें इसमें टाइप ए केबल मिलती थी, और ये बढ़िया बात है कि हमें टाइप सी कनेक्टर मिल रहा है। तो अब बात करते हैं हम अपने कंट्रोलर की, और जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, बहुत ही सॉलिड क्वालिटी है इसकी, आप देख सकते हैं एकदम जो ओरिजिनल एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और एस के कंट्रोलर आते हैं बिल्कुल उनके जैसी ही क्वालिटी है। अगर आप ये कंट्रोलर बाय करते हैं तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट लुक में ही आपको पता चल जाता है इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, और इसके जो बटन्स हैं आप देख सकते हैं बटन्स वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट हैं। और इसके अलावा हम इसके कलर्स की बात करें तो इसमें आपको बहुत ही वैरायटी मिल जाती है कलर्स की, तकरीबन हर एक कलर आपको मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलर्स चॉइस अवेलेबल है, आप कोई भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैंने स्पेशली ये मिस्ट वाइट कलर चूज किया है अपने सेटअप के हिसाब से, इसके अलावा रेड और ब्लू कलर भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे थे मुझे। और इसके अलावा आपको इसमें दो मॉडल्स मिल जाते हैं इस कंट्रोलर में, इसका जो प्राइस है वो करीबन 3300 पड़ा है इस वक्त, और MRP है इसका 5000, लेकिन अगर आप इसका दूसरा मॉडल लेते हैं पहले वाला, शायद वो पुराना मॉडल है, पता नहीं ये पुराना मॉडल है, मैंने इसे इसलिए बाय किया है क्योंकि इसकी जो लुक है वो दूसरे वाले से काफी ज्यादा बढ़िया है, मैट फिनिश में है इसका सारा टेक्सचर, और बटन्स वगैरह सभी चीजों में आपको एक ही कलर देखने को मिलता है, लेकिन जो दूसरे वाला है वो 2500 उसका प्राइस है, अगर आप वो लेना चाहते हैं उसके कलर में थोड़ा डिफरेंस है। और इसके अलावा आपको जहां पर एक म्यूट करने के लिए बटन मिल जाता है वो भी बाय कर सकते हैं, क्वालिटी में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड
ओवरऑल में इसमें दो तीन चीज़ें बहुत ही बढ़िया लगी हैं मुझे, जैसे कि आपको ये 3-way ट्रिगर लॉक करने के लिए स्पेशली बटन्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप लॉक करना चाहते हैं ट्रिगर को तो आप इस तरह से लॉक कर सकते हैं। अगर आपने जहां पर लॉक कर दिया है तो इससे नीचे आपका ये ट्रिगर प्रेस नहीं होगा। कई बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप अपने हिसाब से ट्रिगर लॉक कर सकते हैं जहाँ पर आप चाहें इन बटन्स की मदद से, और ये मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी इसकी। और इसके अलावा आपको ये दो और बटन्स मिल जाते हैं जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। किसी और बटन की कमांड आप जहां पर देना चाहते हैं तो आप जहां पर सेट कर सकते हैं, जैसे फायर या स्प्रिंट या स्लाइड, तो वो आप जहां पर असाइन कर सकते हैं। हमारी मिडल फिंगर के बिल्कुल नीचे ये बटन आ जाते हैं तो आप जहां से कोई भी बटन अपना असाइन कर सकते हैं, और उसके लिए ये बटन दिया गया है बीच में। आपको इसे प्रेस एंड होल्ड करके रखना है 3 सेकंड के लिए, और उसके बाद आपको अपने कंट्रोलर से जो भी बटन आप असाइन करना चाहते हैं वो बटन आपको प्रेस करना है, और वही बटन आपका जहां पर असाइन हो जाएगा वो वैसे ही काम करेगा। इसके लिए आपको इन गेम सेटिंग्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये कंट्रोलर खुद से ही वो बटन आपका जहां पर सेट कर देगा। जैसे कि अगर आप फायर एम कुछ भी आप जहां पर लगाना चाहते हैं तो आपको असल में वो बटन प्रेस करना है जिससे आपकी वो चीज़ वर्क कर रही होती है गेम में। और अगर आप ये कमांड रीसेट करना चाहते हैं, दोबारा से असाइन करना चाहते हैं कुछ, तो इसी बटन को आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और आपके जे वाले बटन रीसेट हो जाएंगे। और इसके अलावा हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो पीछे आपको जे कुछ अच्छी खासी ग्रिप मिल जाती है, ग्रिप वाला टेक्सचर आपको मिल जाता है जिससे हम काफ़ी कम्फर्टेबली इसे होल्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा सभी बटन्स वगैरह सेम एक्सबॉक्स की तरह वैसे ही काम करेंगे। जैसे ये एक्स का लोगो है, एक तरह से ये होम बटन है, आप अगर इसे प्रेस करेंगे तो आपका सेम वैसे ही एक्सबॉक्स की तरह होम बटन आपका वैसे ही काम करेगा। और सभी बटन एकदम बेस्ट हैं, सभी की प्लेसमेंट आपको वैसे ही मिलेगी जैसे एक्सबॉक्स के कंट्रोलर में होती है एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और एस के लिए। तो इसके अलावा हम कनेक्टिविटी की बात करें तो आप इसे एक्सबॉक्स सीरीज एक्स एस और पीसी पर यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और इसके अलावा इसमें आपको कोई बैटरी नहीं मिलेगी, इसमें इनबिल्ट बैटरी नहीं है, बस प्लग एंड प्ले डिवाइस है। आपको इसकी वायर लगानी है अपने कंसोल में, अपने पीसी में, और आप डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं, किसी तरह के ड्राइवर्स या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। और इसकी डिटेक्शन स्पीड बहुत ही बढ़िया है, कोई मुझे प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिखी। मैंने इसे पीसी पर कनेक्ट किया है, आपकी गेम ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगी इसे एक्सबॉक्स के कंट्रोलर की तरह। इसके बटन्स वगैरह की बात करें कैसे गेम में वर्क करते हैं तो मुझे सेम जैसे जेनियन कंट्रोलर जो एक करता है वर्क वैसे ही वर्क करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी ट्रिगर में, किसी भी बटन में, पूरे रिस्पॉन्सिव बटन्स हैं। मैंने इससे पहले ड्यूल सेंस कंट्रोलर यूज़ किया है तो उस हिसाब से मुझे इसकी क्वालिटी सेम वैसी ही लगती है। इसमें आपको जो वाइब्रेशन मिलती है वो भी अच्छी खासी मिलती है, कोई ऐसे नहीं है कि जैसे नॉर्मल जोए पैड जो आते हैं सस्ते वाले उनकी तरह वाइब्रेशन नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त वाइब्रेशन है जैसी एक जेनियन कंट्रोलर में होनी चाहिए। वाइब्रेशन के मामले में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसके ट्रिगर्स की बात करें तो अगर आप कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, कोई शूटर गेम आप खेल रहे हैं, तो इसके ट्रिगर काफ़ी स्मूथली वर्क करते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखी। और मैंने इसे गेम पैड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन चेक किया इसके ट्रिगर्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली वर्क करते हैं, सेम टू सेम जैसे एक जेन्युइन कंट्रोलर वर्क करता है वैसे ही रिस्पॉन्सिव ट्रिगर्स हैं इसके। जितना मैं प्रेशर डाल रहा हूं उतना ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और यही चीज़ मुझे चाहिए थी, पहले वाले मेरे जोए पैड में ये चीज़ नहीं थी। ओवरऑल मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली, जब भी आप इसे कनेक्ट करेंगे एकदम से कनेक्ट हो जाता है किसी भी गेम में। और इसके अलावा आप इस पर 3.5mm का ऑडियो जैक लगा सकते हैं अगर आप हेडफोन्स लगाना चाहते हैं तो, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अब हम बात करें क्या आपको ये कंट्रोलर बाय करना चाहिए, तो आप एक्सबॉक्स के लिए जो इसका जेन्युइन कंट्रोलर जो आता है, एक्सबॉक्स का जो ओरिजिनल कंट्रोलर है, वो भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि कितना भी कम प्राइस इसका नहीं है, 5000 के आसपास एक्सबॉक्स का कंट्रोलर मिल जाता है। और इस पर थोड़ी सेल चल रही थी जिसकी वजह से मुझे ये 3300 में मिला है, नहीं तो इसका प्राइस 4000 के आसपास ही रहता है ज़्यादातर। तो अगर आप इतने पैसे लगा रहे हैं एक्सबॉक्स के लिए, अगर आपने
एक्सबॉक्स पर गेमिंग करनी है इस कंट्रोलर से, तो फिर आपको एक्सबॉक्स का कंट्रोलर ही बाय करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एक तो वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाएगी, दूसरा आपको वो जेन्युइन एक्सबॉक्स का कंट्रोलर मिलेगा। तो एक्सबॉक्स के लिए तो आप एक्सबॉक्स का कंट्रोलर ही बाय करें, लेकिन अगर आपके पास बजट इतना नहीं है, आपके पास कम पैसे हैं, तो आप आराम से इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे वायर के साथ ही कनेक्ट करके रखना होगा। क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी इसकी सेम वैसी ही है, लेकिन अगर आपके पास पीसी है, पीसी के लिए ही बाय करना है, तो आप जे कंट्रोलर बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक तो लुक वाइज जे एक्सबॉक्स का कंट्रोलर है, दूसरा इसकी बिल्ड क्वालिटी, पीसी के लिए ये चॉइस बढ़िया है। लेकिन अगर पीसी के लिए भी आपको लुक से कोई मतलब नहीं है, तो आपको मार्केट में और भी बढ़िया चॉइस मिल सकती हैं, इससे आधे प्राइस में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा भी काफी कंट्रोलर ऐसे हैं जो बहुत ही बढ़िया हैं। तो अगर आपको एक्सबॉक्स का कंट्रोलर चाहिए दिखने में, जो आपके रूम में सेटअप के हिसाब से रखा हुआ बढ़िया लगे, तो आप ये बाय कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करके आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो कंट्रोलर हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए अमेजोन पर, आपको इससे भी बढ़िया चॉइस मिल सकती है। और इसकी जो वायर की लेंथ है वो मुझे बहुत बढ़िया लगी, और किसी गेम पैड के साथ इतनी लेंथ आपको शायद ना मिले। आप इससे अपने रूम में कहीं भी बैठकर आराम से गेमिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके इस कंट्रोलर को लेकर कोई और सवाल हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपको ये कंट्रोलर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट कीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी गेम प्ले वीडियो में, तो हम इसके साथ बहुत सारी गेम्स प्ले करेंगे, तो जल्दी मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।